हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फन एंड गार्डनिंग। आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्लांट लेकर के आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लांट की कटिंग कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होती है। इसको आप कभी भी कटिंग से ग्रो करते हैं तो ये प्लांट जो है कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। दोस्तों, इस प्लांट का जो नाम है वो है जेट्रोफा, और ये प्लांट आपको नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको 50 से 60 रुपए में नर्सरी में मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है ये प्लांट जो है जल्दी मरता नहीं है और काफ़ी सालों साल चलता है। और इसकी आप ये लीव्स देखिए, ये इसकी लीव्स का डिज़ाइन देखिए, काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है इसकी लीव्स का डिज़ाइन होता है, काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है ये, अट्रैक्टिव। तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। यह प्लांट जो है आपका सालों साल चलेगा, जल्दी मरेगा नहीं, और ये बहुत ही ज़्यादा लेस केयरिंग वाला प्लांट है। और इसमें आप फ्लावरिंग भी सालों साल आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये आप देख सकते हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल छोटे छोटे फ्लावर आते हैं रेड कलर के। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसी प्लांट से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करेंगे, जिससे अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आपका ये प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा, बुशी होगा और सालों साल आपके साथ ये प्लांट बना रहेगा। आप इसको जब भी नर्सरी से लाएं तो आप इसको रिपोर्ट करने से पहले इसकी मिट्टी जो तैयार करें वो कुछ इस प्रकार करें, वो मिट्टी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। दोस्तों, इसको मिट्टी वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए आपको एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा कंपोस्ट, और आप इसमें थोड़ी सी सैंड मिला करके आप इस प्लांट को अगर देंगे तो ये प्लांट जो है उसमें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा और काफ़ी तेज़ी से बड़ा और घना भी होगा। आप इसको ज़्यादा घना बनाने के लिए आप टाइम टू टाइम इसकी पिंचिंग करते रहें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्लांट को बुशी बनाने के लिए उसकी कटाई छटाई करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप कटाई छटाई करेंगे तो वैसे वैसे आपका प्लांट जो है वो न्यू ब्रांचेस निकालता रहेगा, और आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और बुशी और सुंदर भी लगेगा। दोस्तों, ये एक फुल डे सन रिक्वायरमेंट वाला प्लांट है। आप इसको जहाँ भी लगाएं वहाँ तेज़ धूप आनी चाहिए, अच्छी धूप आनी चाहिए। इसको 6 से 7 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए, उसमें ये प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और बुशी भी होता है। आप इसको पॉट में जब भी लगाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका जो पॉट हो उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ड्रेनेज होल अगर नहीं होगा तो आप ओवर वाटरिंग करने लग जाते हैं प्लांट को, और कोई भी प्लांट में ओवर वाटरिंग की वजह से ही वो प्लांट जो है वो मर जाता है। तो आप ओवर वाटरिंग ना होने दें इस प्लांट को, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। आप इसको बोन मील ऐड कर सकते हैं अगर आप इस प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं। जैसे ये आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर फ्लावर देता है, छोटे छोटे इस पर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी आप हर ब्रांचेस पे फ्लावर चाहते हैं तो आप इसमें बोन मील ज़रूर दें, क्योंकि बोन मील में दोस्तों पोटेशियम और कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस, जिसकी वजह से हर प्लांट जो है उसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो आप बोन मील ज़रूर ऐड करें। इसमें मैंने 1 महीने पहले बोन मील ऐड किया था, तो आप एक बार महीने में बोन मील थोड़ा सा मिट्टी के साइडों में जैसे थोड़ा सा ज़रूर छिड़क दें, और आप गमले की मिट्टी आप हमेशा 1 इंच छोड़ करके लगाएं, ताकि आप पानी जब भी दें तो पानी अच्छे से नीचे ड्रेन आउट हो जाए। दोस्तों, इस प्लांट की सबसे अच्छी बात जो है वो है इसको इजीली कटिंग से ग्रो करना। जी हाँ दोस्तों, इसको आप कटिंग से जब भी ग्रो करेंगे, किसी भी सीज़न में आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये प्लांट जो है उसमें काफ़ी इजीली ग्रो हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है ये। आप इसको किसी भी महीने में इसकी कटिंग लगाते हैं तो कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होती है इस प्लांट की। इस प्लांट की कटिंग हमेशा सक्सेसफुल होगी और बहुत ही तेज़ी से ये प्लांट जो है ग्रोथ पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप इसको बरसात के सीज़न में लगाते हैं तो ये प्लांट जो है काफ़ी तेज़ी से बड़ा होने लग जाता है। आप इसकी कटिंग जैसे ये आप ये देख सकते हैं, ये स्टेम आप ये यहाँ से लेंगे, आप इसको 4 से 5 इंच की कटिंग लेकर के आप किसी भी नॉर्मल गार्डन मिट्टी में, या आप चाहे तो कोकोपीट में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। आप छोटे से पॉट में लगाएं और उसको थोड़े शेड वाले एरिया में रख दें और उसको 2 से 3 दिन में पानी दें, तो आप कुछ दिन के बाद नोटिस करेंगे कि इसमें छोटे छोटे लीव्स आना शुरू हो जाते हैं और ये प्लांट जो है अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। इस प्लांट को दोस्तों डेली पानी चाहिए होता है,
आप इसको गर्मियों के सीज़न में डेली पानी दें और सर्दियों में 2 से 3 दिन में पानी दें। लेकिन अगर आपके एरिया में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये डोरमेंसी के पीरियड में चला जाता है। जिस तरीके से गुड़ैल वगैरह डोरमेंसी के पीरियड में सर्दियों के मौसम में चले जाते हैं, उसी तरीके से ये प्लांट भी जो है दोस्तों सर्दियों के मौसम में डोरमेंसी में चले जाता है और उस टाइम ये अपनी सारी पत्तियाँ गिराने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे बाहर का सीज़न आता है, जैसे जैसे फरवरी का सीज़न आएगा, ये अपनी न्यू लीव्स ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है ये प्लांट। क्योंकि ये प्लांट जो है दोस्तों जल्दी मरता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है ये। या आप इसको एक बार सिर्फ नर्सरी से लाएंगे तो ये आपके साथ सालों साल ये प्लांट बना रहेगा और आसानी से चलता रहेगा। बस आप इन्हीं बातों का ख्याल रखें। और अगर आप इस पर किसी भी प्रकार का कीड़ों का अटैक देखें तो जैसे कि मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो फंगीसाइड पाउडर भी ला करके आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इस प्लांट के ऊपर किसी भी तरीके का कीटनाशक आप इसके ऊपर स्प्रे कर दें पानी में मिला करके 1 चम्मच, तो इस प्लांट से जो भी किसी भी तरीके का कीड़ा या फंगस का अटैक होगा वो हट जाएगा। इस पर चींटियाँ वगैरह भी कम लगेंगी। आप चाहें तो स्टार्टिंग में जब आप इसकी मिट्टी तैयार करें तो आप सरसों की खली भी ऐड कर सकते हैं या नीम की खली, जिससे इस प्लांट में जो है इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और नीम की खली से फंगस का अटैक वगैरह भी कम होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें उसको आगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।